एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में रहने वाला 7 साल का भव्य इन दिनों बेहद खुश है। भव्य की खुशी की वजह पीएम मोदी की एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है और पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रिय भव्य, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने देश के गरीब बच्चों के कल्याण के लिए अपनी बचत में से 107 रुपए का अंशदान दिया है। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपको देश और गरीब बच्चों की कठिनाइयों का एहसास है और मैं आपकी सद्भावना के लिए आपका आभारी हूं। शुभकामनाओं सहित आपका नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के देवास में सांची पॉइंट चलाने वाले संदीप आउटे के बेटे भव्य को ये सवाल हमेशा खटकता था कि आखिर वो स्कूल जाता है तो उसके मोहल्ले के और कई बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, और ये बात वो अपने दादाजी से पूछता था। मैं स्कूल जाता था तब मेरे दादाजी ही से पूछता था कि ये जो गरीब बच्चे ये पढ़ के नहीं पाते, तो वो बोलते थे कि इनके पास पैसे नहीं है तो ये पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने मेरे बर्थडे के दिन 107 रुपए निकाले गुल्लक फोड़ के, तो फिर मैंने वो मोदी जी को भेज दिया। अब मेरा जवाब आ गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू मोदी जी दादाजी। भव्य ने अपने जन्मदिन के दिन गुल्लक में जमा किए हुए 107 रुपए एक पत्र के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेज दिए। जब भव्य के जमा किए हुए पैसे राहत कोष में पहुंचे तो प्रधानमंत्री की तरफ से भव्य के नाम ये धन्यवाद पत्र आया, जो शायद भव्य और भव्य के परिवार के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। श्रीकांत उपाध्याय, देवास, इंडिया न्यूज़।